तो हेलो एवरीवन, बहुत दिन बाद आज ये वीडियो आ रहा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का लगभग 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर बेसिकली हम लोग फार्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं वो सीखे थे। आज हम लोग उसका एप्लीकेशन सीखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहले मैं वो फार्मूलाज लिख दे रहा हूँ बोर्ड में, जो तीन मेजर फार्मूलाज थे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दूसरा फार्मूला था y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, और तीसरा फार्मूला था y माइनस y1, बस स्लोप को एक्सपेंड कर देना है हम लोग को, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये तीन फार्मूलाज के ऊपर हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 3x-3y -7=0, और हमें क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था। सेकंड हमें फाइंड करना है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, और थर्ड चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है y इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ पर c, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है c। तो इस इक्वेशन को पहले आप इस फॉर्म में लिखो, ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो y को एक साइड लेके आते हैं हम लोग, इस साइड लेके, तो हो जाएगा 3y = 3x - 7। हमें सिर्फ y का टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा y = 3x/3 हो जाएगा x - 7/3। तो ये हमें मिल गया इस फॉर्म में y = mx + c के फॉर्म में। तो हम लोग बस लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इसको दे दो यार इक्वेशन नंबर 2, और वहाँ से आप लोग लिख पाओगे कि मेरा m इक्वल्स टू मेरा स्लोप जो है मुझे 1 मिला, बिकॉज आप x को क्या लिख सकते हो, 1 × x लिख सकते हो ना, और c मुझे यहाँ से मिल जाता है -7/3। तो देखो यार, y इंटरसेप्ट तो यहीं से मिल गया, यहाँ से आपको स्लोप मिल गया, अब मुझे फाइंड करना है इंक्लिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लिनेशन मतलब होता है एंगल, मुझे वो एंगल फाइंड करना है। स्लोप मुझे वो वैल्यू देता है और इंक्लिनेशन मुझे वो एंगल देता है। तो अगर मेरा स्लोप 1 है, तो स्लोप का एक और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोग को, कि स्लोप इक्वल्स टू टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा इक्वल्स टू 1, तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो कि टैन थीटा कब 1 होता है, जब टैन थीटा टैन 45 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू आसानी से 45 बोल सकते हो। वन बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं इस, वो टैन टैन को काट देते हैं। प्लीज काटते हुए मत दिखाना, बिकॉज वो गलत हो जाता है, बिकॉज ये एक फंक्शन हो जाता है मैथमेटिक्स का। इसलिए बस आप सीधा लिखो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, ये मेरा वाई इंटरसेप्ट एंड ये मेरा स्लोप जो मुझे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकालना था। तो क्वेश्चंस बेसिकली बहुत आसान होंगे, आप लोग को कोई भी इक्वेशन दिया हो आपको उसको y = mx + c वाले फॉर्म में तोड़ना है एंड देखना है एंड कंपेयर करना है, वहाँ से आप आसानी से वैल्यूज निकाल पाओगे। यहाँ पर सिर्फ x दिया हुआ था, x को हम लोग लिख सकते हैं 1 × x, देखो m का वैल्यू मुझे 1 मिल गया। सिमिलरली c का वैल्यू तो आसानी से -7/3 आ रहा है, ठीक है। और इंक्लिनेशन मतलब तो एंगल होता है, तो एंगल तो आप लोग निकाल लोगे जब स्लोप निकल गया। ये हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, उससे पहले मिटा दूं। तो नेक्स्ट सवाल में ना इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, उसके बदले मुझे दिया गया है वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन दिया है अ स्ट्रेट लाइन है, वो पास करता है 2 पॉइंट से, वो 2 पॉइंट के वैल्यूज दिए मुझे पी, एक पॉइंट पी लिया है 2, -5, और एक पॉइंट क्यू है जो है 4, 3। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में स्लोप, ठीक है। तो स्लोप के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोग को बोलूं तो स्लोप के बहुत फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो टैन थीटा होता है जिसका एप्लीकेशन लास्ट क्वेश्चन में आया, बट आप लोग देखोगे क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को कौन सा स्लोप का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर मैंने बताया था स्लोप m होता है m = tan थीटा, एंड m के बदले हम लोगों ने क्या पुट किया है y2 - y1 / x2 - x1। तो ये हमें मिल गया स्लोप, तो बस यहाँ पे लिख देंगे y2 - y1 / x2 - x1।
अब बस वैल्यूज पुट कर दो यार, वाई टू मेरा 3 है, वाई वन माइनस 5 है तो माइनस ऑफ माइनस 5, एक्स टू मेरा 4 है माइनस 2, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 5 8 बाई 2 इक्वल्स टू 4, तो मेरा स्लोप का वैल्यू निकलता है 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करना था मुझे, इक्वेशन फाइंड करना था। तो देखो यार, ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है समझने के लिए बच्चों लोगों के लिए, बिकॉज वो सोचते हैं इक्वेशन कैसे पुट करेंगे। यार देखो, इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो आप लोग इस इक्वेशन में बैठा के उसके वैल्यूज निकाल सकते हो, और अगर बाई चांस वैल्यूज दिए हुए हैं तो बस उसका उल्टा कर दो, उसको इक्वेशन में डाल के इक्वेशन बना दो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर m मिल गया और मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज भी हैं, तो मैं इस वाले तरीके से इक्वेशन बना सकता हूँ। y मेरा इक्वेशन का टर्म है, x मेरा इक्वेशन का टर्म है, और मुझे y2 भी पता है, y1 भी पता है, x2 भी पता है, x1 भी पता है। सो आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो और आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, एनी वन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, y माइनस y1। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ले लो यार। देखो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना, अगर वो कहा जा रहा है कि वो दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप कोई भी पॉइंट से उसका इक्वेशन बनाओगे वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ले लो यार, y माइनस y1, तो माइनस 5 इक्वल्स टू m, m मेरा आया 4, x, x माइनस x1, x1 मेरा 2 था, तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे, y प्लस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 8। y और x टर्म को लाना चाहते हो एक पास तो लाओ, या फिर मत लाओ, बट बेटर रहता है ना एक पास ला के जीरो कर दो नेक्स्ट वाले साइड को। तो ये क्या बन जाएगा, 4x, y को उधर लेके आते हैं, माइनस वाई, माइनस वाई, माइनस 8 था माइनस 13 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो बेटर पार्ट इज, जब आपको इक्वेशन कहा जाए कि आपको इक्वेशन फॉर्म करना है ना, तो सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आओ और उधर 0 लिख दो इक्वल्स टू 0। दिस इज द बेटर पार्ट इक्वेशन का। ऐसे भी छोड़ सकते थे भाई, ये भी एक इक्वेशन ही है, बट नहीं, इसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। लास्ट जो वन मार्क्स होता है वो आपको इस वैल्यू पे मिलता है, जहाँ पर आप सारे वैल्यूज को एक साइड लाते हो और इक्वल्स टू 0 करके इक्वेशन बना लेते हो। ठीक है, नाउ जो थर्ड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ पी इफ पी क्यू पासिस टू द पॉइंट। देखो, तो अब क्या कहा गया है कि ये जो लाइन पी क्यू है ना, वो एक और लाइन से पास, एक और पॉइंट से पास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ले लो, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अब मुझे बताओ यार, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा, अगर वो कोई भी जितने भी सारे पॉइंट से पास करेगा ना, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इक्वेशन को आप इस वाले वैल्यूज में बैठाओगे, तो मैं बताता हूँ। देखो, 4 इंटू एक्स इज 16, माइनस 3 कितना हुआ, 16 माइनस 3 इज 13, 13 माइनस 13 देखो 0, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक और पॉइंट है ए, ए ले लो, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मुझे पी माइनस 1 और पी प्लस 4, और कहा गया है कि पी का वैल्यू मुझे निकाल के दो आप लोग। तो बस यार, कुछ नहीं करना है, आपने जो इक्वेशन लगाया है उसमें बस ये वैल्यू पुट करो, अपने आप पी का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए और उसके बाद कोई पॉइंट का आपको फिक्स्ड वैल्यू निकालना है, तो आप उसको डायरेक्टली पुट करो और उसमें आंसर निकाल देना। रीजन देखो क्या दोगे, रीजन दोगे कि सिंस द स्ट्रेट लाइन पासिस टू द पॉइंट, इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, तो बस बैठाते हैं इसमें 4, x के बदले क्या बैठाऊंगा p माइनस 1, माइनस y के बदले क्या बैठाऊंगा p प्लस y, एंड माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो 4p माइनस 4 माइनस p, अच्छा सॉरी, पी प्लस वाई नहीं है, पी प्लस 4 है, 4 है, सॉरी माई मिस्टेक, पी प्लस 4 है, तो 4p माइनस 4 माइनस पी माइनस 4 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो क्या बना, 4p माइनस पी इज 3p, माइनस 13 माइनस 17 माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस 21, यहाँ से p का वैल्यू मुझे निकला 7। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ये जो क्वेश्चन था ये 2003 के बोर्ड एग्जाम में आया था 4 मार्क्स के लिए। तो देखो यार, मैंने बोर्ड का सवाल करा दिया आप लोगों, कितना आसान था, बस वैल्यूज फाइंड करने थे और इक्वेशन बनाना था। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपली इन तीनों इक्वेशन से आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो अगर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठोगे, तो आप ना बस ये तीनों फार्मूलाज लिखना एक जगह पर और इक्वेशन स्टार्ट कर देना सॉल्व। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल लेते हैं। देखो, अगले सवाल में ना डायग्राम ही बनाया हुआ है, मैं डायग्राम बनाता हूँ।
तो एक्स और वाई एक्सिस का डायग्राम है, ठीक है, ये हो गया एक्स डैश वाई डैश, एक्स और वाई, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 तो क्वेश्चन है, एक डायग्राम बनाया हुआ है 4 पे और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, -3 इसको कनेक्ट किया गया है और तीसरा कोऑर्डिनेट है -2, -4 ये वाला पॉइंट, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा पूरा है, फॉरगेट इट, सही है लगभग डायग्राम। क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए तो बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ में ए में करना ही क्या है, इट्स 4, 0, एक्स पे वैल्यू लाई कर रहा है और वाई तो मेरा 0 है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए तो आसानी से निकल गए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स ए सी, और क्यू कहाँ पर है मेरा, ए सी को क्यू, तो ये पॉइंट को कहा गया है क्यू, ठीक है, ये पॉइंट को कहा गया है क्यू जो लगभग 3 से पास कर रहा है, तो ये पूछ रहा है ए और सी को कि कितने किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो क्या है भाई 4, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो -2, -4 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखो, देखो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है बट क्योंकि डायग्राम है तो अपने आप ही निकल जाएगा ना, तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट -3 है और एक्स तो 0 है, 0, -3, ये डेटा प्रोवाइडेड है और मुझे कहा गया है कि मुझे इसका रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ए सी डिवाइडेड है, 1:k ले लो यार, रेशियो को 1:k अज्यूम कर लो, तो ए सी बनाओ यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर क्यू बना दो और 1:k के रेशियो में डिवाइड कर दो, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको 4, 0 और ये आपको पता है 0, ये है सॉरी -2, -3, तो यार सेक्शन फार्मूला में पढ़ाया था ना मैंने, तो क्या होगा इसके साथ ये फिर इसके साथ ये, तो यही जाने वाला है, 1 × -2 = -2 + k × 4 = 4k / 1 k, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वाई कोऑर्डिनेट 1 × -4 - 4 + k × 0 = 0 / 1 k, तो देखो ये मेरा निकल गया क्यू का कोऑर्डिनेट्स, बट फॉर्चुनेटली मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं, तो मुझे करना क्या है बस इस इक्वेशन को इसमें डालो, इसके 0, तो ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और ये इक्वेशन y का हो जाएगा बराबर -3 के, दिस इज इक्वल्स टू -3, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो बस वैल्यू पुट करना है और आसानी से आप लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप 1:k का रेशियो निकालो। अच्छा निकालता हूँ, देखो मैं इस वाले को लेता हूँ, तो ये क्या होगा -4/1 k = -3, राइट, माइनस माइनस काट सकते हो आप लोग, 4 = 3 + 3 k, तो यहाँ से k क्या मिला मुझे 1/3 = k, तो मेरे को k का वैल्यू निकला 1/3, तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, मेरा रेशियो हो जाएगा 1:k का रेशियो था ना, तो 1/k का हो गया 1/3, तो रेशियो हो गया 3:1, ये 3:1 के रेशियो में डिवाइडेड है, ठीक है। और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी, इक्वेशन फाइंड करना है, कोई नहीं यार, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो वैल्यू आराम से निकल जाएगा, कर देता हूँ, तो सी था मेरा -2, -4, मुझे इक्वेशन ऑफ ए सी चाहिए, ये वाले में पुट करते हैं, चलो वाई माइनस ए वाला लेके चलते हैं, तो वाई इज 4, 0, वाई माइनस वाई वन इज 0, एम मुझे पता नहीं, अच्छा एम मुझे पता नहीं है ना, तो क्या करो y2 - y1 / x2 - y1 कर दो, तो y2 मेरा है -4 - y1, y1 0 है, तो -4/0,
x2 मेरा माइनस 2 है और x1 क्या है मेरा 4, तो माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस x1 मेरा था 4। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं बिकॉज माइनस प्लस के खेले में ना पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा, तो माइनस प्लस एक बार ध्यान से देख लो यार प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर लिख लो क्या है x1 y1 x2 y2, प्रॉब्लम है ऐसे लिख लो ठीक है, बट मिस्टेक्स मत करना। इवेंचुअली जब मैंने ये चैप्टर किया था तो इतनी गलतियाँ हो जाती थी सिर्फ माइनस प्लस को लेकर कि मैंने लिख भी दिया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि बहुत सारे एरर्स हो रहे हैं बिकॉज माइनस प्लस का वैल्यूज इधर उधर हो जा रहा है ठीक है, तो उसको देख लेना चाहिए। तो क्या आएगा y इक्वल्स टू -4/-6 कटा माइनस माइनस 2/3 एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 2x-8। दिस इज योर इक्वेशन। जीरो पे लेके आना है तो बस 2x-3y-8 इक्वल्स टू 0। देख लो यार कोई गलती तो नहीं है ना, सब सही। ये इक्वेशन कोई भी तरीके से करोगे हो जाएगा। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल आपको सी इंटरसेप्ट दिया होता ना तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन मत यूज़ करो। जब आपको ईजिएस्ट तरीका दे दिया है, ईजिएस्ट वैल्यू दे दिया है, तो इतने बड़े बड़े इक्वेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 मार्क ये वाला वैल्यू पुट करना हो जाएगा, बट अगर नहीं दिया है तो ऑब्वियसली फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा हटके है, मतलब समझना पड़ेगा वो सवाल को कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बेसिकली फाइंड करना है इक्वेशन ही फाइंड करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 4x+3y = 1 एंड 3x-y + 9 = 0। तो देखो क्वेश्चन समझो यार, पहले क्वेश्चन में क्या डेटा मुझे दिया हुआ है जिससे मैं कर सकता हूँ। मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है, चलो ठीक है, वो लाइन इस पॉइंट से जा रहा है, एंड जो सेकंड पॉइंट मुझे दिया गया है वो किससे पास कर रहा है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पे। सीधे शब्दों में अर्थ है कि एक दो लाइंस हैं ऐसे, एक लाइन है 4x+3y = 1, दूसरा लाइन ऐसे मान लो, इस लाइन का इक्वेशन है 3x-y + 9 = 0। इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मेरे को मेरा दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम लोग ले लेंगे x, y। मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन, जो मेरे को इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का, वो एक ऐसा लाइन है जो इस पॉइंट से जा रहा है और जाते 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 जाते, जाते, जाते इस पॉइंट से ट्रैवल कर रहा है ठीक है, और वो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे। सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन पे है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी। तो बस क्या करना है, दोनों इक्वेशन को लिखो यार, 3x-y + 9 = 0, सेकेंड वन इज 4x+3y + 1 को इधर ले आओ, -1 = 0। अब मैंने x, y लिया है अपना कोऑर्डिनेट और x और y के टर्म में ही है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं करना ना, मुझे बस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्लास 9 में सीखा था ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो देखो y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y हो जाएगा, 9x-3y + 27 = 0, नीचे वैसे ही रहने वाला है। देखो अब प्लस करो तो ये प्लस माइनस का टर्म कट जाएगा, 9x+4x मेरे को मिला 13x+27 - -26 = 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x मिला 26/13, आसानी है यार, 2 है, x का वैल्यू मुझे 2 मिल गया। तो अब x का वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करो और y का वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो, x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, y का वैल्यू निकालो, 10 सेकंड लो यार, निकाल देते हैं। 3 × 6 - 6 + 9 = 15, 15 - 5 = 15, या वैल्यू मिल गया ठीक है।
मुझे क्या क्या मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है। अरे ठीक है, मेरा गलती है। देखो प्लस 27 माइनस 1 प्लस 26 होता है, स्मॉल मिस्टेक, इधर जाके माइनस 26 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2। तो जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मैं माइनस 2 पुट करूँगा, तो वाई का वैल्यू 15 ही होगा। क्या होगा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, माइनस 6 प्लस 9 इज माइनस 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यही तो सॉरी प्लस 3 हो जाएगा ना, प्लस 9 है, तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू क्या मिला, 3। तो इस पॉइंट का मुझे वैल्यू क्या मिल गया, एक्स वाई का वैल्यू मुझे मिला है माइनस 2, 3, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे इक्वेशन फाइंड करना था, मुझे दो पॉइंट्स दे दिए हैं, एक 0, 2 और एक माइनस 2, 3। तो आराम से यार मैं ये वाला फार्मूला लगाऊँ या फिर ये वाला लगाऊँ, इसी एक से मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। बट देखो, हियर इज़ अ क्वेश्चन, ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लग सकता, बिकॉज पूछो क्यों, मुझे यहाँ पे स्लोप वाला टर्म चाहिए ना, मुझे स्लोप तो पता ही नहीं है। तो आप लोग क्या टीचर्स लोग जो बनाते हैं उन लोगों को पागल समझते हैं, वो लोग तो सोचा यार कि एक इक्वेशन दिया है, मैं एक इक्वेशन से फाइंड कर लूँ, हो सकता था, बट मुझे स्लोप का वैल्यू पता नहीं है, मैं इक्वेशन बनाऊँगा कैसे, इसीलिए मुझे दूसरा पॉइंट भी चाहिए, बिकॉज दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो मैं स्लोप निकाल पाऊँगा ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से दो पॉइंट्स मिल गए मुझे, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से मैं स्लोप निकाल लूँगा, तभी तो मैं इक्वेशन बना पाऊँगा, इसीलिए दोनों पॉइंट्स निकालने ज़रूरी हैं। बस हो गया सवाल, यही था इक्वेशन फाइंड करने, आप लोग फाइंड कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिख देना, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या था। तो बेसिकली इस यूनिट से रिलेटेड लगभग जो क्वेश्चन से कवर अप कर दिए थे, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोग को YCSE 2015 से था, इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो इस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, वेटेज अच्छा खासा, तो यार प्रैक्टिस करो, ये तीनों फार्मूला बिल्कुल मत भूलना, क्लास 11 में बहुत हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट मैं क्लास 11 में हूँ एंड ये कोइंसिडेंस ही समझो यार, जब आप लोग APGB में पढ़ा रहा था, मैं APGB कर रहा था, अभी मैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कर रहा हूँ एंड वेरी मच नीडफुल इन क्लास 11। सो अगर आप लोग मैथ्स ले रहे हो तो अच्छे से चैप्टर पर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो आप लोग सिर्फ 1-2 एक्सरसाइज करोगे, 11 में 12-13 एक्सरसाइजेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डू इट, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का 12.1। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जहाँ पर हम लोग सेकंड एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड उसके सम्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो सम्स, समझो अच्छे से, इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वेरी वाई टू कि भैया ये वाई क्या है, y और x वाला टर्म, देखो y1 x1 y2 x2 ये सब मेन जगह में ना आप लोगों को वैल्यूज पुट करना है, और ये कांस्टेंट y और सिर्फ x दिख रहा है, ये इक्वेशन को बनाने के लिए जो हम लोग को x और y लगता है ये वो है, तो उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी, उसको वैसे ही रहने देना है। अगर आपको x1 x2 पता है या फिर y1 y2 पता है तो वो पुट करो यार, इस वाले वैल्यू को रहने दो वैसे, बिकॉज अगर वो होगा नहीं तो इक्वेशन क्या बनेगा, वो तो आपस में प्लस माइनस करके कट जाएगा या फिर बराबर आ जाएगा, इसीलिए y और x के टर्म है बिकॉज इक्वेशन बनेंगे उससे। सो या मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय। एंड एक और बात बोलनी थी यार, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, बिकॉज यू नो बोर्ड का मैं इंतज़ार कर रहा था, एक्चुअली मैंने बोर्ड ऑर्डर किया था, तो मैं सोचा कि यार बोर्ड आ जाएगा तभी पढ़ाऊंगा। तो यार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्त लोग के साथ भी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी बहुत अच्छा है, लगभग 8 मार्क्स का है वेटेज, मैं वेटेज के ऊपर भी कभी ना कभी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कौन से चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोग के लिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेक्शन ए में कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो ऐसा नहीं है कि यार अवॉइड करना है, 4 मार्क्स से सवाल, इसका मतलब ये क्या कि सेक्शन बी में ही आएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन ए में हमारी 2020 में ही सवाल आए हैं 4 नंबर के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 से 3 फार्मूलाज हैं सेकेंड यूनिट में जो आप लोग अप्लाई करोगे, देखना लगभग वो भी लगभग कहीं ना कहीं इस फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो बस शेयर करो यार अपने दोस्त लोग के साथ ये वीडियोस, उन लोग को भी दिखाओ, मैथ्स स्प्रेड करो, एजुकेशन स्प्रेड करने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो देयरफॉर चलो बस यही कहना था, बाय।